विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इसके अंतर्गत गोरखनाथ ब्लड बैंक में भी वर्चुअल संगोष्ठी एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। यह दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टाइनर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 14 जून 1868 में हुआ था। इन्हें रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह जानकारी ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने दी। वर्चुअल संगोष्ठी में देश के कोने कोने से वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर और चिकित्सा क्षेत्र से के लोग जुड़े। डॉक्टर प्रशांत पांडे, डॉक्टर गीता अग्रवाल, एके जैन, एके पांडे, ब्रजेश यादव, जय सिंह, मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, डॉक्टर ममता जायसवाल, स्वरक्तदाता जसपाल सिंह एवं अमर सिंह ऑनलाइन गूगल मीट से जुड़े। इस वर्चुअल गोष्ठी में वक्ताओं ने बताया कि गोरखनाथ ब्लड बैंक लगभग सभी कार्यों को मानक के अनुरूप सफलतापूर्वक कर रहा है। आगे उन्होंने सुझाव दिया कि न्यूक्लिक एसिड टेस्ट आरंभ किया जाना चाहिए, जिससे रक्त जनित रोगों को बेहतर रूप से फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए गोरखनाथ हॉस्पिटल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने कहा, काम करते रहिए और ब्लड बैंक में कोई जानकारी नहीं है। इतना साल में मैंने कम से कम 1800 डॉक्टर से फाइट किया था, तो आपने देखा तो मैं सर उत्तर तो नहीं दूंगा बिकॉज आई नो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस। आज 14 जून है और इस दिन विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है पूरे विश्व में। और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे एक जनक हैं रक्त रक्त विज्ञान के लैंड स्टार काइनर वो कार्ल स्टाइनर, उनके जन्म में ये मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 1868 में और उन्होंने ही इस रक्त विज्ञान को आज आधुनिकता प्रदान की है। इसका पर्पज ये है कि जो रक्तदाता है उसमें एक जागरूकता पैदा करना कि रक्तदान करें, और ये रक्तदान कितना बहुमूल्य है ये आजकल सभी लोग जानते हैं, क्योंकि एक रक्तदान से आजकल 3 से 4 जीवन बचाए जाते हैं। और रक्तदाताओं में ये ऊर्जा भरना, उनमें प्रोत्साहन करना ये बड़ा आवश्यक था, क्योंकि रक्त की बड़ी कमी है। एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं, हमारे भारतवर्ष में 150 लाख यानी कि 1,50,00,000 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है। लगभग केवल आधा ही पूरा हो पाता है, 75 से 80 लाख शेष या तो बिना रक्त के रह जाते हैं, नहीं तो वो कुछ गलत व्यवसायिक रक्तदाताओं के चंगुल में पड़ जाते हैं। इसी दृष्टिकोण से आज एक हमारे गोरखनाथ ब्लड बैंक में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, एक संगोष्ठी, आभासी संगोष्ठी वर्चुअल मीटिंग की थी, जिसमें हम लोगों को डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर उत्तर प्रदेश, पूर्व ड्रग कंट्रोलर उत्तर प्रदेश, 2-3 ड्रग इंस्पेक्टर्स और 2-3 वैज्ञानिक, एक हमारे वैज्ञानिक है जो नोएडा में जेपी अस्पताल में डॉक्टर प्रशांत पांडे, उनका मुख्य हम लोगों ने भाषण रखा था, उन्होंने काफी इसके बारे में जानकारी दी। उसके अलावा हमारे 2-4 और वैज्ञानिक और प्रोफेसर इत्यादि बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। अच्छा कार्यक्रम रहा और आज ही के दिन हमने एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। इसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफी संख्या में लोग आज रक्तदान किए हैं। कुल मिलाकर यह एक बड़ा सफल कार्यक्रम आज आयोजित हुआ, एक बड़ा ही यूजफुल था यह। और मैं आप सबको इस विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ।